दोस्तों, अगर आप एक बिगनर हैं, नए ड्राइवर हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर तीन ऐसी बातें बताऊंगा जो नए ड्राइवरों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर एक पे आता है आपको अपनी गाड़ी रोड पर चलाने के लिए कैसे लेकर जाना है। अभी देखिए, मेरा गाड़ी साइड में खड़ा है, मैं इसको रोड पर कैसे ले जाऊँगा। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद डी पे मैं डाल देता हूँ। ये जो गाड़ी है ऑटोमेटिक है, इसमें क्लच नहीं है, इसमें सिर्फ ब्रेक छोड़ना है और आपको रेस देना है, गाड़ी आगे बढ़ेगा। गाड़ी आगे बढ़ने लगे तो आपको तुरंत राइट में गाड़ी नहीं दबाना है, पहले आपको लेफ़्ट में ही चलना है, उसके बाद ORVM में देखना है। ORVM में देखने के बाद इंडिकेटर लाइट आपको राइट में दे देना है। धीरे धीरे आपको स्टीयरिंग राइट में घुमाना है ORVM में देखते हुए। अगर कोई गाड़ी आ रहा है तो आप उस समय अपनी गाड़ी को राइट में ना दबाएं। गाड़ी जब निकल जाए, जैसे ये देखिए वाइट वाला निकल गया, तो मैं अपनी गाड़ी को राइट में ले लिया। और जब आपकी गाड़ी रोड पर आ जाता है तो आप पहले लेफ़्ट वाले लाइन में ही चलाएं, तुरंत बीच वाले में या राइट वाले लाइन में ना जाएं। जब आपकी गाड़ी का स्पीड थोड़ा तेज़ हो जाए, उसके बाद आप किसी भी लाइन में जा सकते हैं ORVM में देखते हुए, इंडिकेटर देते हुए। नंबर दो पे आता है जब आप गाड़ी चलाएं तो गाड़ी चलाते समय आपको बार बार अपने गाड़ी के ORVM में देखते रहना है, राइट वाले ORVM में, लेफ्ट वाले ORVM में और IRVM में। इससे क्या होता है, पीछे से जो गाड़ियां आती हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता रहता है। नंबर 3, देखिए आपके सामने कोई धीरे गाड़ी चल रही है, उसको ओवरटेक करना है तो सबसे पहले आपको ORVM में देख लेना है। ORVM में देखने के बाद इंडिकेटर लाइट आपको दे देना है। इंडिकेटर लाइट देने के बाद आपको ORVM में देखते हुए गाड़ी को राइट में धीरे धीरे दबाना है। अभी देखिए, जैसे कि पीछे से गाड़ी आया, हॉर्न बजा दिया, तो हॉर्न कोई नहीं बजाएगा तो भी आपको ORVM में देखने से पता रहता है कि कौन सी गाड़ी आ रही है, कैसे आ रही है। अब देखिए, मैं बस को ओवरटेक कर लिया हूँ, लाइन बदल दिया हूँ। दोस्तों, गाड़ी चलाते समय आपको इन बातों का बराबर ध्यान रखना है कि अपने वजह से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप अपने गाड़ी को एकदम सिस्टम से चलाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। दोस्तों, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बिंदास पूछ लीजिए। जय हिंद।